हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम सरफेस टूल को यूज करते हैं सॉलिडवर्क्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सरफेस में जाऊंगा। अब यहाँ पे कई बार टैब शो नहीं होती है, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, क्या राइट क्लिक करो किसी भी टैब पे। जैसे फीचर्स वाली टैब पे राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे जाके अनटिक और टिक कर सकते हो आप इन फीचर्स को हाइड और शो करने के लिए। ओके, तो ये होता है हमारे पास सरफेस का, सरफेस बार बोल सकते हैं, सरफेस टैब बोल सकते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहला फीचर कौन सा होता है इसका, एक्सट्रूडेड सरफेस। तो मान लो जैसे मैंने एक प्लेन क्रिएट कर लिया, टॉप पे स्केच किया, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दी। ओके, तो इसको डायमेंशंस दे दूंगा मैं, 100x100 की डायमेंशंस दे देता हूँ जैसे। ठीक है, इसको 100 दे दिया, इसको भी 100 दे दिया। ओके, तो ये मेरे पास 100x100 का एक स्केयर बन चुका है यहाँ पे। तो उसके बाद सरफेस टूल्स में जाके सबसे पहला फीचर कौन सा मेरा, एक्सट्रूड सरफेस। तो एक्सट्रूड सरफेस को यूज कैसे करते हैं, क्लिक करूंगा एक्सट्रूड सरफेस पे और यहाँ पे देखो आप। अब सॉलिड में क्या होता था कि ये अंदर वाला सारा एरिया फिल हो जाता था, इसमें क्या है पूरी वॉल्स एक्सट्रूड होंगी। कितने डायमेंशंस तक एक्सट्रूड करना आपने वो लेंथ आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स अप टू सरफेस फ्रॉम मिड प्लेन, ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। डायरेक्शन उल्टी रखनी है, सीधी रखनी है, डायरेक्शन टू ऑन करनी है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ड्राफ्ट का ऑप्शन। तो ड्राफ्ट में क्या होता है, किसी एंगल पे इन एजेस को रखना। ये देखिए अभी ड्राफ्ट इनवर्ड चल रहा है, ड्राफ्ट आउटवर्ड करना तो आउटवर्ड भी हो जाएगा। उसके बाद ओके, तो ये लग गया हमारा एक्सट्रूड का फंक्शन। ओके, कैसे हम एक्सट्रूड सरफेस को यूज कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब थिंक नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज। थैंक यू।